के स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो केवल इस भारत की धरती पर ही नहीं था बल्कि विदेशी धरती पर भी कई देशों में हमारे सेनानी लगे हुए थे। उसका प्रभाव ये रहा कि चारों तरफ से जब अंग्रेजी शासकों पर दबाव बना तो वो बाध्य हुए, वो मजबूर हुए और हमें हमारी स्वतंत्रता देने के लिए वो तैयार हुए, नहीं तो हो सकता है और कितने साल लग जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे सेनानियों ने तन मन धन से केवल एक लक्ष्य मान करके हमें भारत माता को आजाद कराना है, उसी लक्ष्य पर वो जिए और उसी लक्ष्य के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ये कहानी भी फांसी के फंदे पर झूले एक अमर शहीद मदनलाल धीवड़ा जी की है। आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त 1907 को उन्हें इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। एक बहुत ही बड़े परिवार का बेटा था, धनाढ्य परिवार का बेटा था, उच्च अधिकारी का बेटा था। वो अगर चाहते, मदनलाल धीवड़ा जी अगर चाहते तो एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे जैसा उनका परिवार जी रहा था। कहते कि अंग्रेजों के शासन में सूरज जहां भी निकलता वहां अंग्रेजी शासन होता था, उसी की तर्ज पर इन्होंने हमारे लोगों को तड़फाना शुरू किया और कोई भी ऐसा कोना संसार का नहीं छोड़ा जहां कोई भी देशभक्त सिर उठाता तो उसे कुचलने में वो पीछे हटते। शहीद मदनलाल धीवड़ा जी उस माटी के नहीं बने थे जो सुख के लिए, शांति के लिए या अपने परिवार के वैभव के लिए जीना चाहते थे। उनके दिल में तो एक ही चीज थी कि मेरी माँ गुलाम है, मेरा देश गुलाम है, तो मैं कैसे आजादी में सांस ले सकता हूँ। और उसी के लिए उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने पहले अपने परिवार से विद्रोह किया और उसके बाद उच्च अधिकारी अंग्रेज का कत्ल करके फांसी की सजा उन्हें मिली और वो हंसते हंसते झूठ गए। उसी कहानी को हमारे ये कलाकार, हमने लगभग 45 दिन रिहर्सल की है क्योंकि 30 कलाकार हैं इस टीम में, 30 कलाकारों को जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी है। ये श्याम बेनेगल का एक दस्तावेज हो सकता है, इतना बड़ा काम है। और मेरे लिए खुशी की बात है आप यहाँ पधारे, मैं आपका पुनः अपने मन की गहराइयों से, अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ आप हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। ठीक 10 मिनट बाद हम अपना नाटक का मंचन शुरू कर देंगे, तब तक के लिए आप देशभक्ति के गीतों का आनंद लें। वो भी बेटा देशभक्ति के गीत चला दो प्लीज। और एक मेरा नम्र निवेदन है, जब हमारा नाटक शुरू हो जाए तो अपने फोन साइलेंट कर दें, क्योंकि व्यवधान आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसी मार्मिक कहानी है, ये ऐसी बलिदानियों की कहानी है, ऐसे देशभक्तों की कहानी है, आपको खुद महसूस होगा कि क्या कॉल आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इसमें वीर सावरकर का भी जिक्र है, भिकाजी कामत जी का भी अभिनय है और दूसरे बहुत सारे ऐसे अनाम शहीद हैं जो देश के लिए लड़े, देश के लिए मरे और आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके काबिल हमें बना के गए। मैं नमन करता हूं अमर शहीदों को। उन्हीं की कहानी को लेकर हम आपके सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और आप देशभक्ति का संगीत सुनें। मां सरस्वती हमें शक्ति दे, हम अपने इस मिशन में कामयाब हों।
देश दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इतने ही लड़ाकों ने इन विदेशी ताकतों को ललकारा और अपनी जान की बाजी लगाई। बदकिस्मती से उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिशें होती रही, उनकी यादों को मिटाने की हिमाकतें हुई। आज जरूरत है उस असली इतिहास को आप तक पहुंचाने की। ऐसी ही दास्तां है नाटक जश्न आजादी। साथियों, जैसा कि अभी आपको पता चला, हमारे दो साथी गिरफ्तार हुए, तो अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें किसी भी हालत में पार लेके आएंगे। मेरे पास उसके लिए प्लान भी है, पर मुझे उसके अंदर तुम सभी का साथ चाहिए। पांडु, तुम मेरे साथ रहोगे। चतुर, जितना जो जहां से सामान इकट्ठा करना पड़े तुम लाके करोगे। हरनाम, तुम हथियारों का ख्याल रखोगे, चाहे कुछ हो जाए
हमारा ये मिशन इस बार सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हो तुम मेरे साथ? बिल्कुल। हमें किसी भी हालत पे इस मिशन को पूरा करना है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। वो पकड़े गए क्या? अरे नहीं नहीं, लेकिन हमारा दोस्त अजी पकड़े गए। बाबा राव? अरे नहीं नहीं, बाबा राव को वो पकड़ नहीं सके, लेकिन गुरुजी निरंजन और सिकंदर पकड़े गए। लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि बाबा राव यहाँ है लंदन में? वो सब जानते हैं, उन्हें तो बल्कि ये भी मालूम था कि वो यहीं आ रहे हैं। बट हाउ? अब इतना तो मैं जानता नहीं हूं, पर गुरुजी सुनने में ये भी आया है कि इंडिया हाउस पे भी अब नजर रखी जा रही है। गुरुजी करजन वाइली तो वही है ना, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अरे हाँ, ये वही है। वहाँ इंडिया में भी इसका यही काम था, और यहाँ इंग्लैंड में भी ये हमारे क्रांतिकारियों और नए आने वाले स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। क्या हुआ गुरुजी, वो पकड़े तो नहीं गए ना? नहीं, वो तो नहीं पकड़े गए, बाबा राव तो हमेशा की तरह ही हवा हो गए। तो फिर बोलो अय्यर। निरंजन और सिकंदर पकड़े गए। गुरुजी ये करजन वाइली यहां भी हमारे लोगों के साथ वही सब कर रहा है जो इसने वहां इंडिया में किया। कुछ तो करना होगा गुरुजी, कुछ तो करना होगा। सावरकर, क्या कुछ करना चाहते हो तुम? नहीं जानता, लेकिन कुछ तो बड़ा करना होगा गुरुजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। अगले हफ्ते इंडिया हाउस में इंडियन सोसाइटी की एक मीटिंग है, और वहां करजन वाइली चीफ गेस्ट बन कर आ रहे हैं। कहो तो इस स्पेशल प्रोग्राम को और भी स्पेशल बना दूं। अरे फाइंड वही देखते हैं सर। गुड नाइट गुरुजी। गुड नाइट। अरे लेकिन कोई बताओ तो करना क्या है? अरे सो जा पांडू, बोले जाना कर। यार तुम लोगों ने आज बहुत लेट कर दिया। ये बच्चे किसके? तू वेटर, वेटर कहाँ है? ये वेटर कैसे जगह ले गया यार, वेटर ही नहीं है। अच्छा ये तुम्हें पता है, अभी अपनी जो बुक आने वाली है उसका कवर पेज तैयार हो चुका है, और तुम कवर पेज देखोगे ना ये पता क्या है? 1857 द रेवोल्यूशन। सोचो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें गाली देने की? प्रॉब्लम हम यहाँ बैठ रहे हैं और तुम हमें वहां उधर कोने में भेज रहे हो, कौन सी सभ्यता है ये? अब तो मैं यहीं बैठूंगा। कॉफी लाओ। हाँ तो कुछ मंगवाओ, टॉफी वगैरह तुम्हें कुछ नहीं करना। इसी बात को लेकर मैं ये कह रहा हूँ, तुम देख तुम्हें सुना नहीं गया? दो कॉफी। ये शायद इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। मेरे को हाथ कैसे लगाए रहे तू? हाथ कैसे लगाया तू? डोंट टच मी।
अरे इट्स ओके मैन, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, तुम वहां आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। क्यों बैठू मैं वहां? और अब तो मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में रुकूंगा भी नहीं, थूकता हूँ यहाँ पर। अरे भाई इतना गुस्सा होने की क्या बात है, वो बेचारा तो अपना काम कर रहा था। मैं मुंह तोड़ देता उसका। अच्छा किया नहीं तोड़ा, नहीं तो वो भी तुम्हारा मुंह तोड़ देता। Hey, hello. You have no right to say this, okay? Okay. इतनी बेइज्जती सहकर तुम बैठ सकते हो यहाँ पर, मैं नहीं। और ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा अपमान नहीं है बल्कि पूरी इंडियन कम्युनिटी का अपमान है, पूरी मानव जाति का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गुजरा समझते हैं। अगर इतनी गहरे थे तो क्यों आए आप? क्या तुम नहीं जानते थे यहाँ के नियम अलग हैं और ये लोग इंडियंस को अलग तरह से ट्रीट करते हैं? भाई आखिर ये लोग हमारे देश के मालिक हैं तो जैसा चाहेंगे वैसा नियम बनाएंगे। ये लोग हमारे मालिक हैं क्योंकि इनके तुम्हारे जैसे गुलाम हैं, ओके, जिन्हें कोने में फेंके जाने पर भी दिक्कत नहीं होती। लगता है तुम्हारा स्वाभिमान मर चुका है, तुम्हारे अंदर अब आत्मगौरव नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई? ऐसे रेस्टो का रूल है, अलग अलग टी बने हुए हैं सबसे, वहां भी बैठ सकते हो तुम। तो इसमें स्वाभिमान की बात कहां से आ गई? जब चंद हजार अंग्रेज वहां हिंदुस्तान में जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, अपने नियम अपने कानून बना सकते हैं, तो 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने स्वाभिमान के साथ जी भी नहीं सकते। उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर अलग कोने में फेंका जाता है। कैसे सहती हूं इतनी बेइज्जती? लगता है सदियों की गुलामी से अब अपने स्वाभिमान को जगाने का साहस बाकी नहीं रहा। चलो भैया। पापा आने वाले थे ना? Excuse me. अरे नहीं जागा सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज इंडियन कम्युनिटी का एक प्रोग्राम स्पेशल उन भारतीयों के लिए है जो लंदन में आके रह रहे हैं। पापा, और मैं जानता हूं कि इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर कर्जन वायली, जिनके ऊपर पूरे भारत का ही नहीं भारत के हर स्टूडेंट्स का भी एक उपहार है, एक उपकार है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्लीज वेलकम कर्जन वायली। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू? नाइस। आई फील प्रिविलेज्ड and pleasure in equal measure to announce that I have been invited to preside over this Indian community function today. Ladies and gentlemen, India ek bahut bada country hai, jahan millions of population rehta hai, ek bahut bade geographical area pe. Lekin hum logo ko afsos hai ki great country hone ke bawajood bhi India एक ग्रेट सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, कुछ स्कीम बनाया है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लोगों को जीने का तरीका नहीं आता है। ऊपर से पॉपुलेशन, पोल्यूशन और दुनिया भर की दूसरी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इंडियन की क्रीम को अपने यहां इंग्लैंड में, लंदन में इनवाइट करेगा, और जो स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा
हम उनको फ्री में पढ़ाएगा, स्कॉलरशिप देगा, वजीफा देगा, तरक्की देगा, जीने का तरीका बताएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और एक दिन इंडिया एक बहुत बड़े सिविलाइजेशन के तौर पे दुनिया के नक्शे पे छा जाएगा। आए हो इधर? नहीं बोलोगे? साफ साफ बता दो आखिर मकसद क्या है तुम्हारा। अच्छी बात है। जहर को पचा सके वाली पचाओ पचाओ स्मार्ट बॉय पचाओ कम ऑन हैव अ ड्रिंक कम ऑन स्मार्ट बॉय पहले लाइट हो गया।
वायली की हैवानियत बढ़ती जा रही है ये, और कल तो उसने हद पार कर दी। क्या हुआ? जब उन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो पता है उसने क्या किया? उसके मुंह पर गर्म चाय डाल दी। क्या? उसका गला बुरी तरह से चल गया है। तो वो कुछ बोले तो नहीं ना? यही तो दिक्कत है यार, वो कुछ बोलते ही नहीं, और जितना चुप रहेंगे उतना ही धस सहेंगे, उतना ही तड़पेंगे। आखिर किसके लिए, किसके लिए है ये? अपने देश के लिए सावरकर, अपनी इस मातृभूमि के लिए। वो ऐसे वीर हैं, हर दर्द तो सहन कर जाएंगे, लेकिन अपनी इस मातृभूमि से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। तुम भरोसा रखो, आज गुरुजी आने वाले हैं, आज आर पार की लड़ाई का फैसला हो ही जाए। सावरकर अपने लोगों को अब और दर्द सहन करने नहीं देगा, मैं लाऊंगा उन्हें। अरे क्या हुआ भाई? प्रणाम। गुरुजी अब और बर्दाश्त नहीं होता। वहां वो वायली हमारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है, और हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा गुरुजी? आखिर कब तक इंडियन कम्युनिटी के बीच वो साला शराफत का छोला उड़ लेता है, और यहां यातनाएं दे रहा है हमारे लोगों को। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुजी, और बर्दाश्त नहीं होता। देखो सावरकर, एक बात कभी मत भूलना, हम जिस मिशन पर हैं वो कोई सहज मिशन नहीं है। उसके लिए हमें बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा, और हमारी एक छोटी सी गलती हमारे पूरे मिशन को खराब कर सकती है। मुझे पता है अंग्रेज इतने शातिर हैं, हम भारतीयों को कभी बंग भंग के नाम पर लड़ाते हैं, कभी 1857 की हमारी इतनी महत्वपूर्ण क्रांति को उन्होंने महज एक छोटा सा गदर कह के दबा दिया, और कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है। लेकिन एक बात और याद रखो, जब हम यहां इंग्लैंड में आके चंद भारतीय अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने देश को आजाद कराने में कामयाब नहीं होंगे? हम जरूर होंगे। इसलिए हमेशा अपने मिशन के लिए तैयार रहो, हमें बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को हमेशा सतर्क रखें, उन्हें समझाएं, गुस्सा ना करें, पेशेंस रखें। अय्यर और सावरकर, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन गुरुजी, वो लोग हमारे लोगों को इसी तरीके से तड़पाते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, और हम बस चुप रहे। नहीं, हमारे 1857 की क्रांति को एक छोटा सा विद्रोह कहकर उन्होंने, तब भी हम चुप बैठे रहे। हमारी किताबों को छपने से पहले ही उन्हें बैन कर दिया जा रहा है, तब भी क्या हम चुप रहे गुरुजी? हम चुप नहीं रहेंगे सावरकर, हमें कुछ और बड़ा प्लान करना होगा। हम जल्दी इस पर विचार करते हैं, और आप सब लोगों के साथ बैठ के उसको फाइनलाइज भी करते हैं। कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में जो हुआ उसके बाद से मैं ठीक से सो नहीं पाया। खुद से सवाल करता रहता हूं, बहुत बेचैन रहता हूं, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था। बैठो। कौन हो तुम? मैं मदनलाल ढिंगरा। क्या चाहते हो? तुमसे मिलना। क्यों? उस दिन रेस्टोरेंट में जो हुआ वो सब ठीक नहीं था। पहले तुम्हें सोचता था अंग्रेजों का घर है, इनके नियम है, जो है जैसे मानने ही पड़ेंगे, पर उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कहीं मेरा स्वाभिमान, हाँ, सच में तो नहीं मर गया। तो
फिर इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के हर शख्स के साथ यही तो हो रहा है। लेकिन सबके सब गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं, जी रहे हैं जिल्लत की जिंदगी, पड़े रहते हैं कोने में। उन्हें जिल्लत की जिंदगी मुबारक, लेकिन हम अपने स्वाभिमान के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी। पर नियम तो नियम है ना, उन्हें ना माने तो क्या करें फिर, जब हमारे अपने देश में ही नियम ना मानने पर हमें जेल का मुंह देखना पड़ता है, फिर यहां तो हम इनके घर में रहते हैं, यह कैसे मना किया जा सकता है? नियम इंसान ने बनाए हैं और इंसान के लिए ही नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अगर इंसान इंसान में फर्क करके नियम बनाए जाने लगे ना, तो वो ह्यूमैनिटी नहीं। और मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को जो मेरी आजादी मुझसे छीनते हो, मेरे स्वाभिमान का गला घोंटते हो। यह तथ्य सुनिश्चित है, जिस दिन तुम तय कर लोगे उसी दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इससे अधिक उत्साहवर्धक राष्ट्रमंत्र और क्या हो सकता है कि जब मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की पूजा करता रहूंगा, तो मुझे उसके लिए लड़ना चाहिए, निरंतर लड़ना चाहिए। सावरकर, मैं तो आज तक एक झूठ को सच मानकर जीता रहा, पर तुमने तो मेरी आंखें खोल दी सावरकर। आज से स्वाभिमान की लड़ाई शुरू, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए ही मदन लाल जिएगा। लेकिन मेरे पास
तुम लोगों के लिए कहने के लिए एक बात है। देखो हमारे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे हम अपना फर्ज निभा रहे हैं वैसे ही तुम अपना कंट्री के लिए अपना फर्ज निभा रहे हो, इसलिए नो हार्ड फीलिंग्स। लेकिन मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है, स्कीम, और वो ये है कि अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करे तो मैं तुमको यहां से फ्री कर सकता है। आई कैन अफोर्ड दैट लग्जरी, आई कैन डू दैट। लेकिन सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इंडिया हाउस क्या बवाल है, है? और वह कौन कौन आता है, क्या एक्टिविटीज होती है, क्या कॉन्स्पिरेसीज होती है। अगर तुमने मुझे ये बताया तो आई प्रोमिस मैं तुमको यहां से फ्री कर देगा, फिर तुम भी अपने रिलेटिव्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय। लेकिन तुम अंग्रेजों और तुम्हारे कमीने पर भी हम विश्वास कैसे करें? बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, नो चॉइस। आई एम गिविंग यू द चॉइस बट यू आर फूलिश। अब बताओ मेरे को, तुम्हारे वहां पे कौन कौन आता है, किस तरह का इलीगल एक्टिविटीज होता है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, किस तरह का कॉन्स्पिरेसीज होता है, तोते की तरह मेरे को बताओ अभी और इसी वक्त। उससे पहले तुम हमें जुबा दो, वायदा करो कि जो हम चाहते हैं वो तुम हमें दोगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, आई स्वेयर। ये तुम क्या कह रहे हो? हे, लेट हिम स्पीक, गुड जॉब डन। बर्दाश्त नहीं होता भाई, तुम देश से गद्दारी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें हमारी मातृभूमि का वास्ता मत करो, ऐसा जो हम चाहते हैं वो तुम हमें दो, हम तुम्हें सब बताएंगे। तुम्हें जो चाहिए मैं देगा, फ्रीडम, पैसा, शोर, सब कुछ देगा, तुम बोलो। तो सुनो, सबसे पहले जितना धन तुमने हमारा लूटा है, एक एक धन कर, एक एक पाई सूद समेत वापस करो। जितने लोगों को तुमने हमारे मारा है उनके मां बाप से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के गिर गिराओ, माफी मांगो। और इसी वक्त जितने अंग्रेज हमारे देश में मेरी मातृभूमि में है, बाहर निकल जाओ। You bastard! बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाए, अभी और इसी वक्त निकल जाए, बाहर, बाहर निकलो, वाह, वाह, वाह। Take care of them bastards! अपनी मिट्टी के लिए भाई, अपने अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अरे ऐसी लाखों जिंदगी कुर्बान मेरे देश में। हमारा देश आजाद होगा ना भाई? हाँ मेरे भाई, हमारा देश आजाद होगा, जरूर आजाद होगा, कामयाब होगा भाई, जरूर आजाद होगा।